गाइस वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगी। तो आज के इस व्लॉग में मैं चेंज कराने वाला हूं अपनी NS200 की क्लच केबल। तो ये रही अपनी NS200, कमेंट करके बताना कैसी लग रही होती है। और आप देख सकते हैं यहां से मेरी क्लच केबल ये टूट चुकी होती है। तो चलो चलते हैं बजाज एजेंसी और क्लच केबल लेके इसको चेंज कराते हैं। तो चलो देखते हैं क्लच केबल की प्राइस क्या रहने वाली है और इसकी फिटिंग कॉस्ट कितनी होती है। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही आपको व्लॉग देखने के लिए मिले। NS की है, कितने की है? तो भाई अगर आप रिवर्स से, तो आपको एक बढ़िया चीज बताता हूँ। देख रहे हो बजाज एजेंसी है, उसी के थोड़ा सा आगे ये देव ऑटो पार्ट्स है, जहाँ की आपको बजाज के पूरे जेन्युइन पार्ट्स मिलते हैं, वो भी ओरिजिनल रेट से थोड़ा कम में। तो आप यहाँ से ले सकते हो। और भाई मैं कॉलेज गया था तो मेरे जो रिम के स्टीकर है, पता नहीं कौन निकाल दिया था यार, बहुत ही बुरी लग रही थी बाइक। तो लगे हाथ में आ जाता हूँ एमएक ग्राफिक्स, अपने भैया की दुकान होती है, और ये लगाने लग जाते हैं दोबारा। उसको बराबर से देख सकते हो आप लोग। फिर भाई मैं ये हार्ट ब्रेक का एक छोटा सा स्टिकर बनवा रहा था अपने बाइक के मीटर के ऊपर। ये मैंने देखा था राजा डीसी की बाइक के ऊपर, आप जानते होंगे, पर ये मेरे को छोटा सा चाहिए था, भैया ने थोड़ा बड़ा इसको निकाल दिया था। देख सकते हो ये कैसा लग रहा है, कमेंट में जरूर बताना। खैर मेरे को तो उतना खास नहीं लग रहा होता यार, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा साइज होता है, मैंने भैया से थोड़ा छोटा साइज बोला था। चलो इसको बाद में निकाल देंगे। फिर भाई मैं आ जाता हूँ अपने फाइनली मेन काम के लिए, क्लच केबल लगवाने के लिए। चलो देखते हैं फिटिंग कॉस्ट कितनी रहती है इसकी। तो भाई 240 की मेरे को क्लच केबल पड़ती है और 20 रुपए इसका फिटिंग कॉस्ट होता है, तो ये मेरे को पड़ जाती है 260 की। ब्लॉग चलो यही खत्म करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।